हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, शुरू की है, हमें उसको आगे तक ले जाना है। हमें पूरी मेहनत से सबको मिलजुल कर काम करना है और उसको और आगे तक बढ़ाना है। हमें उनके नाम को रोशन रखना है, हमें इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है, जिससे जितना भी एफर्ट हो सके। चैमकेश के मैं हर एक बंदे से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ और भी जो इसमें जुड़ेंगे आगे, कि वो इसको और आगे तक लेके जाए, उनके नाम को रोशन। कितने लोगों को परिवार उनसे रोजगार चलता था, आज सभी याद कर रहे हैं। लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो उनके नेटवर्क में। आज अगर मान लो एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने देश के बेरोजगार बच्चों के लिए काम करने की कोशिश करी और ऐसा एक सिस्टम बनाया, एक ऐसी एक ऐप बनाई जिसमें बच्चे पढ़ाई करते करते अपना रोजगार कर रहे थे, बगैर कोई लागत लगाए, बगैर कोई खर्चा किया, और खेलते खेलते और बड़ा इंटरेस्ट से कर रहे थे बच्चे। बहुत से बच्चे उससे इनकम काटते और बहुत से बच्चे उसको देवता मानते हैं। बहुत से बच्चों ने तो उसकी तस्वीर अपने मंदिर में रखी हुई थी, जो उसको भगवान की तरह पूजा करते थे। आज उनका देहांत हो गया, हमारा तो सब कुछ छिन गया, हमारा ये हमारी कमी पूरी नहीं हो सकेगी कभी। कैसे मृत्यु हुई उनकी? बस एक आम बुखार हुआ था, डेंगू बुखार हुआ था, जिसकी वजह से ना तो वो बढ़ता चला गया, उनके इन्फेक्शन होते चले गए और डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आया क्या करें क्या ना करें। एक बीमारी ठीक करते अंदर दूसरी बीमारी स्टार्ट हो जाती, दूसरी ठीक करते कोई इन्फेक्शन हो जाते, इन्फेक्शन एक ठीक करते 2 इन्फेक्शन हो जाते, ऐसा उनके साथ चलता रहा। मेरे ख्याल से ये जो डिजिटल इंडिया की जो अगर नाम लिया जाए तो सबसे पहले महेश वर्मा जी का नाम लिया जाएगा और बच्चा आने वाले टाइम में भी महेश वर्मा जी को याद रखेगा, क्योंकि जो काम उन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि शुरुआत करने वाला का नाम आखिर तक रहता है, तो महेश वर्मा जी ने जो शुरुआत की है वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि उनका एक ही सपना था कि डिजिटल इंडिया का साकार, जो मोदी जी ने सपना देखा था वो डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने का, मतलब जो आकार दिया था वो महेश वर्मा जी ने दिया। तो सर किस नाम से उनकी कंपनी थी और कैसे डेथ हुई? उनकी डेंगू की वजह से, तो उनको डेंगू हो गया था और लगभग 50 दिन उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने पूरी फाइट की महेश वर्मा जी को बचाने के लिए, लेकिन परमात्मा के आगे कोई भी नहीं कुछ कर सकता। महेश वर्मा जी के दाऊ जी हैं साथ में, तो काफी लोगों को रोजगार भी, बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो महेश वर्मा जी के पिता ताऊ जी हैं हमारे साथ, ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे कि महेश जी के बारे में? महेश वर्मा एक खूनहार लड़का था, उसका संकल्प था कि पूरे भारतवर्ष से बेरोजगारी को मैं दूर करूं, उसका ये पक्का संकल्प था। यदि भगवान उसको लंबी उम्र देता तो वो अवश्य ही भारत से बेरोजगारी दूर कर देता और लाखों करोड़ों बच्चों को बिना पैसा लगाए रोजगार प्राप्त करवाता। अभी भी यही है कि वो हमें इसको आगे और बढ़ाना है और लाखों करोड़ों रोजगार लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। करनाल के 31 वर्षीय महेश वर्मा का देहांत हो गया डेंगू के कारण, उनका देहांत हुआ है। हम आपको बता दें कि महेश वर्मा महज 31 साल के थे और चैमकेश के नाम से उन्होंने कंपनी स्टैंड की थी करीब आज से 2.5-3 साल पहले, और लाखों परिवार उनके साथ जुड़े। चैमकेश कंपनी के कारण लाखों परिवारों को रोजगार मिलता था, एक ऐप थी जो डाउनलोड करने पर बगैर किसी भी पैसा खर्चे लोगों को रोजगार मिलता था। आज उनका देहांत पर काफी लोग उनके घर पहुंचे और ऐसे ही कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। इस समय हम महेश वर्मा के करनाल में स्थित सेक्टर 14 निवास स्थान में हैं। सर आप बताएं आप कहां से आए हैं और कब से आप महेश वर्मा से जुड़े हुए? मैं सफीदों से हूं और लगभग उन्हें 3 साल हो गए जब इन्होंने चैमकेश कंपनी बनाई थी, उसी वक्त मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ गया था। बिल्कुल फ्री का ये कॉन्सेप्ट, बगैर पैसा लगा ये कॉन्सेप्ट है, और तब से लेके अब तक मेरे जो घर का खर्च है इसी कंपनी में काम करने से हुआ है। और कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं सर? पूरे इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जिस कोने से इस कंपनी में ज्वाइन नहीं हुए। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश,
सऊदी अरब, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, कई जगह से। लगभग बांग्लादेश का एक ऐसा बंदा है जो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए कमा चुका है, बांग्लादेश का बंदा। पाकिस्तान के भी कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन वर्क, ये है, इसमें पैसा नहीं लगता, एडवर्टाइजर पैसा देता है और वो पैसा एक सिस्टम के तहत, एक नेटवर्किंग सिस्टम के तहत वो पैसा बढ़ता है। एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे मान के चलते कि एडवर्टाइजर ने 10 रुपये दिए ऐड करने के, 10 रुपये में से 1 रुपया कंपनी रख लेती थी, बाकी का 9 रुपये पब्लिक में बांट देती थी, यही, ताकि कंपनी का भी बेनिफिट रहे, उन्हें भी और बाकी लोगों को भी रोजगार मिले। एडवर्टाइजर ने तो ऐड करानी ही करानी है। जी सर, तो ये आपने देखा कि महेश शर्मा करनाल के सेक्टर 14 के रहने वाले थे, हालांकि करनाल के लोग उनको बहुत कम जानते हैं, लेकिन देश भर में उनका नाम काफी ऊंचाइयों पर काफी कम समय में पहुंचा था और खासतौर पर 2 करोड़ से ऊपर जो है उनकी ऐप लोगों ने डाउनलोड की थी और 50 लाख ऐसे एक्टिव मेंबर्स थे जो उनके साथ मिलकर इस चैंप कैश के नेटवर्किंग काम में उनके साथ जुड़े हुए थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।